इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-10-52 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी, हमारा नाम उबैदुर रहमान, मैं बनारस से बोल रहा हूँ। जी, और क्या हो रहा है इन दिनों? जी, मैं राजगिरी का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो इन दिनों कौन सी जगह पे आपका काम चल रहा है? इस समय हमारा जो है न्यू अशोक बिहार कॉलोनी में चल रहा है, 5 तल्ला का मकान है। तो धूप में काफी ज्यादा आपको बाहर में आउटर एरिया में काम करना पड़ता है, क्या क्या सावधानियाँ बरतते हैं और किस तरह से परेशानी होती है इस काम में आपको इन दिनों? काम करने में बहुत परेशानी होती है, मगर क्या करे, करना तो पड़ेगा ही ना। जी जी, रोजी रोटी का सवाल है। ये कितने वर्षों से राजगीर का काम आप कर रहे हैं? ये हम तो 15 साल से। जी, और रेडियो का साथ कितना है, क्या क्या प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं हमारे? रेडियो का मुझे विविध भारती का सब प्रोग्राम अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है इसको, हमेशा साथ में रखता हूँ। कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप? आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। नमस्कार। धन्यवाद। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू, रुत जवान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। Thank you.
काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मेरे यार ए हुस्न वाले, ए मेरे यार ए हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने आज मौसम ओ आज मौसम आज मौसम। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार पांडु रंगी। नमस्ते, लेकिन मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी नमस्ते, बताएं कौन सी जगह से बात कर रहे हैं आप? मैं जयप्रकाश भारती स्टेशन रोड बस्ती से बोल रहा हूँ अरुण सर। मौसम कैसा है? बहुत गर्मी है इन दिनों तो, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहें हम तो। बिल्कुल ही बहुत ही गर्मी है, और मतलब का नाम है गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। जयप्रकाश जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही, तो इस अरसे में कोई खास बात हुई? क्या किया आपने इतने दिनों तक? जी फिलहाल तो कोई खास बात नहीं हुई, ये है कि मैंने डोज लगवा ली है। जी जी, बहुत बढ़िया, और तमाम श्रोताओं से हम कहेंगे कि दोनों डोज तो लगवाएं ही, और जब 9 महीने पूरे हो जाएं उनके दूसरे डोज के बाद तो बूस्टर डोज भी वो लगवा लें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? तो बढ़िया लग रहा है, आप लोगों की मेहनत मतलब रंग लाती है, और क्या जी। तो ये मेहनत बिल्कुल आप सभी श्रोताओं की प्रेरणा से ही ये मेहनत होती है। और कौन सा गीत इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा दें? जी अरुण सर, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि अशोक प्रजापति हमारे मित्र हैं, वो कॉल नहीं लगा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से अरुण सर को जो का नाम है नमस्ते बोलिएगा। जी जी, और कहिएगा कि मतलब उन्हीं की पसंद का एक गीत है अल्लाह रखा का, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना जी। और किस कारण से उनका फोन नहीं लग पा रहा है? जी वो अपने काम धाम में ज्यादा व्यस्त है इस समय। अच्छा अच्छा, लगन का सीजन है, काम बढ़ गया होगा। सीजन चुका है तो वो कपड़े की सिलाई में ज्यादा व्यस्त है। बिल्कुल। और या जो भी श्रोता है सभी को माहे रमजान की मुबारकबाद के साथ ये सुनवा दीजिए अरुण सर। जी जी, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, बहुत शुक्रिया, नमस्कार जी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप बोले मैं।
काल अचानक लग गया, अचानक डाल किया और लग गया, इससे घबराहट होने लगा। सावधान विश्राम नहीं हो पाया आपका लगता है। लाखों घर बर्बाद हुए इस दहेज की होली में, अर्थी चली हजारों कन्या बैठ न पाई डोली में, कहाँ कहाँ पर मस्तक देके कन्या के हाथ पीले करवाने पे, जिनके बीती वही जानते आती शर्म बताने में। बेटा बेटा सासू माँ का पैर छूता है, अम्मा को आंखें दिखाता है, साले साहब को छेना के पानी पिलाता है, बड़े भैया से पान मंगवाता है। जी मैं मस्त कलब तकिया मरियाओ जिला जौनपुर से, जमील अहमद शाह का दोस्त, मैं अशोक कुमार प्रजापति करौता लोता वाराणसी से हूं सर। क्या कहने, अभी तो अशोक जी एक श्रोता कह रहे थे कि आपका फोन नहीं लग पा रहा, इसलिए उन्होंने आपकी पसंद का गीत एक सुनने की बात कही थी और वो अल्लाह रखा फिल्म से। जी तो श्रोताओं से मैंने असगर अली जी से कहा था, पहले मर्तबा रोजा की बधाई उनको दिया था, और कल मैं जयप्रकाश भारती को भी कहा कि मैं कॉल नहीं लगा रहा हूँ और किसी कारण से लग नहीं सकता है रोजे के दिन में, अगर अचानक लग जाएगा तो अल्लाह रखा का गाना आप सुनिएगा, मुझे बहुत पसंद है। और बताएं क्या हाल चाल है, बहुत व्यस्तता है, लगन का समय है, तो आपका जो टेलरिंग की शॉप है उस पर बहुत भीड़ भाड़ होगी इन दिनों, और गर्मी भी तो है काफी। हाँ बहुत गर्मी तो बढ़ रही है, 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो रोज घाम बढ़ रहा है। और घाम तो बढ़ते चले जाएगा सर का नाम, और लोगों को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, जब कम ठंड के दिन आता है तो एकदम उघारे बिना शर्ट के नहीं चल पाते, तो लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा हो गया कि लोग उघारे और टी शर्ट एकदम मुलायम मुलायम कपड़ा पहन ले, बर्दाश्त नहीं हो रहा, जब का नाम आ जाता है, हर सीजन को पालन करना चाहिए, बगैर सदाबहार का नाम मौसम चल रहा है, हर एक चीज निकल रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या कहने। अच्छा अशोक जी, जब आपसे बातें होती है तो जिससे शुरुआत में आपने जो कविता सुनाई, विषय तो बहुत ही गंभीर था दहेज के बारे में, जो कि बहुत ही बुरी कुरीति है, जिसको लेकर के बहुत सारी जागरूकता की आज भी जरूरत है हमारे देश में, लेकिन आप जब बात करते हैं तो बहुत से जो लोक में प्रचलित शब्द हैं, जो यहाँ की आम फहम की भाषा है, वो व्यंग और हास्य आपकी बातों से भी आ जाता है, बहुत ही रुचिकर आपका लहजा है भाषा का। मैं जानता हूँ सर, आप मेरे बातों को बहुत ध्यान से बहुत अटल करते हैं, आप देखिए एक बेटी की मेरी शादी लगी थी, अब क्या किया जाए, 5 महीने से था, बाकी रेडियो में मैं बोलना नहीं चाहता, इस पर मैं बोला हूँ, अगर उनसे पूछिए जिस पर बीतती है सही बात है। हाँ और ये वक्त मेरी बातचीत चला रहे हैं, कहीं ना कहीं मालिक के दिन से बैठी जाएगा, तो इसीलिए समय नहीं मिल रहा सर। बिल्कुल, चलिए व्यस्तताएं हैं, उम्मीद करें कि जल्दी आपकी ये सारी जिम्मेदारियां हैं पूरी हों अच्छी तरह से, और आपको संबंध भी अच्छा हो जाए। कौन सा गीत हम सुनवा दें अशोक जी आज? अब अरुण सर गीत तो कारण अल्लाह रखा का मुझे सुनने ही है, अगर आप कारण उसी में सार देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा वहीं पे। हाँ जो भी श्रोता किए हैं अल्लाह रखा का गाना, ठीक है, पूरी बातें मेरा उसी में का नाम। नहीं, आपके मित्र हैं जयप्रकाश जी ने ही कहा है। जी जयप्रकाश भारती ने कॉल लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और गाने की फरमाइश जी भी मुझे बहुत अच्छा लगा, असगर अली जी से मैंने कहा था नहीं लगा, मैं उनसे भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि का नाम बहुत अच्छे इंसान है, अगर चलिए बात बन गई, वरना एक समय तो आप बहुत गहरी दोस्ती थी, फिर आप लोगों की नाराजगी भी हो गई, और अब चलिए आप लोगों में जो इधर के भाषा में कहा था मेरी हो गई, तो आप लोगों में मित्रता पुनः हो गई है। अशोक जी आपको सुनवा दे रहे हैं, और साथ ही जयप्रकाश भारती जी को भी, जो कि आपके मित्र हैं, आप दोनों ही सुने फिल्म अल्लाह रखा से ये गीत। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कलमा पढ़ कर रोजे रख कर मन्नतों से मांगा हुआ मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मदीने वाले की रहमत है मुझ पर, माँ की दुआओं का साया है सर पर, कलमा पढ़ कर रोजे रख कर मन्नतों से मांगा हुआ मैं अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा।
अपना मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा। गुनहगार खुद है ये इंसाफ वाले, गुनहगार खुद है ये इंसाफ वाले, सुबह पे गरीबों की डाले हो, इन आंखों वाले अंधों से ऐ माँ, इन आंखों वाले अंधों से ऐ माँ, दिलवाऊंगा मैं हक तेरा माँ अल्लाह रखा, हाँ माँ मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, अल्लाह रखा। बदला आहो का तेरी यूं लूंगा बदला, दुनिया कहेगी वहां रे वहां, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा। ऐ वाले रहमत है मुझ पर, माँ की दुआओं का साया है सर पर, रोजे रख कर कलमा पढ़ कर मन्नतों से मांगा हुआ मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, कार्यक्रम। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो, फोन इन फरमाइश। स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नाम बताएं आप जी।
जी, मेरा नाम अवधेश मिश्र है। कौन सी जगह से? शहीदों की नगरी जनपद शाहजहांपुर से टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध हूँ। बहुत बढ़िया। और शहीदों का जिक्र आपने किया तो आजादी का अमृत वर्ष चल रहा है और ये एक ऐसा मौका है जब हम उन जाने अनजाने शहीदों को याद कर रहे हैं और आपने कहा कि शाहजहांपुर तो शहीदों की नगरी है और कैसा जज्बा है आप देख रहे हैं। और जी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह नगर, ये खुदागंज से 8-10 किलोमीटर दूर उनका पैतृक गांव है नवादा दरोवश। जी जी, तो क्या ही खुशकिस्मत है आपकी, आप उस जगह पर हैं जहां इतने महान शहीद क्रांतिकारी हुए जिन्होंने माँ भारती को आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हमारे कटरा खुदागंज में सर 22 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं। उसमें 6 हमारे गांव मझला में ही हैं। जी जी, क्या कहने। अब सोचिए वो दौर था कि गुलामी और दास्तां की बेड़ियां थी और उससे निकलने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी और हम आज ये कर सकते हैं कि उन शहीदों के आदर्शों पर चलें और देश को आज हमें उन्नति की ओर ले जाना है, प्रगति की ओर, इसमें हम जो योगदान कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और प्रोग्राम कैसे लगते हैं आपको, कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं? प्रोग्राम आपके यहाँ अभी जो संडे या सोमवार के लिए सूरन की खेती सुबह जो 6 बजे समाचारों के बाद आता है। जी जी, खेती की बातें, वो डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह जी की जो वार्ता थी वो बहुत पसंद आई आपको बताएं। जी जी, अगर आप खेती बाड़ी में अभिरुचि रखते हैं तो ये कार्यक्रम प्रतिदिन होता है जिसमें की जानकारी दी जाती है समसामयिक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई। और शाम को हमारे यहाँ कृषि जगत कार्यक्रम होता है, वो भी आप सुन सकते हैं। क्योंकि सर आपने ऐसी चीज के खेती के बारे में बतलाया जो कि प्रायः खेती बहुत कम होती है सूरन की। बिल्कुल, तो आपकी बधाई दिनेश जी तक पहुंच रही है। और किस गाने की जी बधाई देते हैं जो कि अत्यंत शुभकामनाएं देते हैं जो कि ऐसे कार्यक्रम ला करके तथा आकाशवाणी परिवार वाराणसी के लिए मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और FM 100.6 मेगाहर्ट्ज और न्यूज IRF पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। बिल्कुल, आपने पूरा याद कर लिया हमारे यहाँ का जो अनाउंसमेंट है। कौन सा गीत आज सुनेंगे इस कार्यक्रम में? जी, समाचारों से पहले जो बीप बजती थी। जी जी, जो 5 बार छोटी बीप बजती, बिल्कुल वो हम लोगों को बचपन से याद है, इन दिनों वो नहीं बजती है। पहले की तकनीक अलग थी, दौर अलग था, बहुत कुछ बदल गया है तकनीकी मामले में खास तौर से। तकनीकी बारे में किया गया, वो एक सिंबल होता था हमारा कि सावधान हो जाओ समाचार आने वाले हैं। बिल्कुल, और समय भी एग्जैक्ट समय हो गया। जी, एक एक सेकंड का सर समय मिला लेते थे। क्योंकि इतनी बड़ी मानता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रेलवे स्टेशन बरेली पर आए थे जी। तो उस समय दूरदर्शन चलता ही नहीं था। उस समय आपको बताएं जो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो आज भी दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है बातचीत की जी जी स्टेशन पर। हमारे यहाँ आपको बताएं सर 1940 से सुना जा रहा है जब बड़े बड़े टेबल के उसके टेलीविजन के आकार के हुआ करते थे रेडियो। बिल्कुल, काठ के रेडियो, लकड़ी के बने हुए बॉक्स जैसे बने हुए होते थे, वो उस पर किसी की फ्रिक्वेंसी का नाम भी लिखा होता था, किसी पे नहीं भी लिखा होता, लोहे की गैंग पड़ी होती थी। जी जी, तो बहुत ही पुराने शौकीन श्रोता हैं आप रेडियो के। क्योंकि हमारे यहाँ जो लखनऊ केंद्र है मीडियम वेव 401.61 मीटर 747 किलो हर्ट्ज, इसका जो शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर था 42.22 मीटर 7105 किलो हर्ट्ज और 61.48 मीटर यानी 4880 किलो हर्ट्ज, ये भी बंद कर दिया गया। यहाँ से 6000 किलोमीटर दूर जापान में लखनऊ केंद्र का प्रसारण इस पर सुना जाता था और वहां से पत्र भी आते थे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें सुनी जाएं जहां भी उचित मंच है वहां से। अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं इस कार्यक्रम में? आज अमृत महोत्सव है तो हम पूरब और पश्चिम फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे, मेरा भारत वो भारत है। बिल्कुल, ये दशमलव भारत जो धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल। हाँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बिल्कुल, आपने रेडियो से भी दो शब्द कहना चाहूँगा सर। जी जी, जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम।
बिल्कुल, और हम भी शहीदों को प्रणाम करते हैं, आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं, इतनी दूर से आपने फोन किया, इतनी जानकारी हमसे साझा की, और फिल्म पूरब और पश्चिम का गीत पहुंच रहा है आप तक। कौन सा बोल रहे हैं? मैं अरुण पांडे बोल रहा हूं। अरुण पांडे, आप तो एफएम पर भी आते हैं। जी जी, तो ये पहले हमारी ध्वनि मित्र पांडुरंग जी से बात हुई थी। आपकी सर आवाज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम लोग तन्मयता के साथ सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, क्योंकि हमें मीडियम वेव पर प्रसारण नहीं मिलता है। और हमारी आपसे गुजारिश ये है, जो आपके केंद्र निदेशक महोदय हैं, उनसे गुजारिश है इसका ट्रांसमीटर 1000 किलोवाट किया जाए, जिससे कि प्रदेश के सुदूर बैठे श्रोताओं तक आपका प्रसारण स्पष्ट और जीवंत आवाज में सुन सके, और समाचारों के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों को भी सुना जा सके। अब देखिए, बहुत लंबी बातचीत हो गई है हम लोगों की, अब बातचीत को समेटना होगा और गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई। दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए, और सुनाओ। है प्री जहां की रीत सदा, जहाँ की रीत सदा है प्रीत, जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है,
इतने पावन है लोग जहां, ओ इतने पावन है लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जहाँ माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत यहाँ की रीत सदा, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार। नमस्कार सुनील कुशवाहा बोल रहा हूँ, मैं जिला सतना एमपी से। सर कैसे हैं, और नवरात्र बीते, बहुत चहल पहल रही होगी वहाँ पर नवरात्रों में। जी मेला लगा था सर। और देश दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं, यही हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसी का ये परिचायक है कि तमाम तीज त्योहार हम सभी मिलजुल कर और खुशियों के साथ मनाते हैं। हालांकि मौसम बहुत ही उमस भरा और गर्म चल रहा है इन दिनों। पूरा गर्म है सर। जी जी, और आपके यहाँ खेती बाड़ी हो रही है या फिर कुछ और काम हो रहा है आपका? खेती किसानी मतलब अभी कटाई हो गए सर, गाय अभी बाकी है सर। जी जी, और प्रोग्राम कैसे लगते हैं हमारे आपको? बहुत अच्छा लगता है सर। कौन सा गीत आज सुनना है आपको? पहले मैं ये सिर्फ सौतन फिल्म का नाम है, सौतन उसका ये गीत है। अच्छा अच्छा, नहीं देखिए सौतन अलग फिल्म है, सौतन की बेटी अलग फिल्म है, ये जो गीत आपने बताया शायद मेरी शादी का ख्याल बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, लेकिन ये है कि ये सौतन फिल्म का गीत है जो कि हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। फिर से दोहरा। शायद मेरी शादी का खया, शायद मेरी शादी का खया दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना?
संग सपने देख रही हो खिली हुई धूप में तारे देख रही हो पर नहीं नहीं बाबा चाय नहीं पीना तोबा मेरी तोबा माफ कर देना इन्हीं पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है पहले तो सब अच्छा लगता है सारी उम्र को फिर रोना पड़ता है इन्हीं अदाओं पर तो हाय अपना दिल आया है इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है अरे पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है अरे नहीं बाबा शायद मेरी शादी का खयाल दिल में आया है इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है तुम्हें मेरी कसम आओगे ना नहीं बिल्कुल नहीं हाँ। तेरी कसम आऊंगा कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश हेलो फोन फरमाइश स्वागत है कार्यक्रम में आपका सादर आधा वर्ष कह रहे हैं और कैसे हैं आप हम अच्छे हैं आज कोई माहे रमजान के मुबारक महीने कोई अच्छे से नाच सुनाने के जी 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 तो मुबारक आपको भी और तमाम हमारे जो सामईन हैं जो रोजे रख रहे हैं रमजान का मुबारक महीना है और गर्मी काफी है लेकिन यही दुश्वारियां हैं इम्तिहान होता है सच्चे आदमी के अकीदत का बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से शुक्रिया और एक चीज और बता हमारे एक दोस्त जो है अरुण कुमार मालवी जी 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 वही है ना एक कान से उनका तकलीफ है जी जी वही है जिनकी कान में तकलीफ है इन दिनों उनके लिए मैं खास तौर से दो बार रमजान के मुबारक महीने में खास तौर से अल्लाह ताला से दुआ किया है कि अल्लाह पाक मेरे छोटा दोस्त के तकलीफ को दूर कर दे रमजान मुबारक के सदके तोहफे में तो अल्लाह चाहेगा तो उनका तकलीफ दूर हो जाएगा बिल्कुल आमीन ऐसा हो और ये कह सकते हैं कि जो अरुण मालवी जी हैं बहुत अरसे से रेडियो सुनते रहे कामकाज भी उनका कुछ इसी तरह का रेडियो ट्रांजिस्टर का ही था और सोचिए ऐसे
शख्स के साथ ऐसा वाकया पेश आ जाए कि वो सुन न सके। बात जो है, अच्छा एक बार हमारे होम मिनिस्टर को गर्दन की तकलीफ हुई थी, वो भी रमजान के महीने में, तो उन्होंने भी कहा था कि रमजान के महीने में मुस्लिम भाई अगर दुआ करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और याद आया तो मैंने दो बार या अपने दोस्त के लिए जो अरुण जी हैं, जी जी मालिक जी, उनके लिए अल्लाह से मैं हाथ उठा के दुआ किया है रमजान में, अल्लाह उनकी तकलीफ को जल्द से जल्द खत्म कर दे ताकि वो बेचारे सुनने काबिल हो जाए। जी जी, और अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारी जो ये बातचीत हो रही है वो असगर अली जी से हो रही है, जो कि शिवपुर वाराणसी के हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं। जी आपका आप खुद ही बता देते हैं। जी अब तो आइए सुन लेते हैं असगर जी एक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया असगर जी। आधा बढ़ रहे, आधा बढ़ रहे।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ सर नमस्ते। हेलो नमस्ते बताएं। हेलो भी हो गया। हाँ, किसी और को बुला रहे हैं लग रहा है और इस बुलावा में आपका फोन कट गया और अब हम अपने दूसरे श्रोता से बात कर पाएंगे। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं सुरेश कुमार बोल रहा हूँ अशोक नगर कॉलोनी से। कैसे हैं, क्या हाल है आपके? और गर्मी में तो बहुत मुश्किल होती होगी तमाम जो बाहर का कारोबार है सर। और प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं सर जी। आज कौन सा गीत सुनेंगे? गोपी है, गए सिया से गोपी। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया। नमस्कार सूरज जी। नमस्कार भैया। आज तो हम तुम्हें एक नए जमाने की कथा सुनाएंगे। अरे बाबा किसी भी जमाने की सुनाओ, मगर सुनाओ जरूर। सियावर रामचंद्र की जय। हे जीरे जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हे जीरे भगवन, कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा। तो प्रभु बोले धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को, बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह के सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचा तानी, खेचा तानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे।
सूना सूना होगा भरी रहेंगी मधुशाला मधुशाला पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला घर की बाला। हे कैसा कन्या दान पिता ही कैसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा से रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा करो काजल का दाग भाई लागे ही लागे रे भाई काजल का दाग भाई लागे ही लागे हे जीरे जीरे ए कितना जति हो कोई कितना सती हो कोई। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:30 से। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। कोविड के जो एहतियात हैं उनका पालन करें, टीकाकरण जरूर करवाएं और अगर दूसरे टीके के बाद 9 महीने का अंतराल हो चुका है तो आप बूस्टर डोज भी एहतियात के तौर पर लगवा सकते हैं। और साथ ही ये कहें कि गर्मियों का मौसम है तो जब भी बाहर निकलें तो सुरक्षा सतर्कता का ध्यान रखें, यानी कि पूरी बांह के कपड़े पहने, सिर को ढक कर रखें और जब तक बहुत जरूरी न हो धूप में बाहर अचानक से निकलने से बचें। और अब इन्हीं बातों के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। तार बिजली से पतले हमारे पिया तार बिजली से पतले हमारे पिया और सासू बता तूने ये क्या किया और सासू बता तूने ये क्या किया तार बिजली से पतले हमारे पिया तार बिजली से पतले हमारे पिया और सासू बता तूने ये क्या किया और सासू बता तूने ये क्या किया सूख के हो गए हैं छुहारे पिया सूख के हो गए हैं छुहारे पिया बेचारे पिया सब हारे पिया कुछ खाते नहीं है अरे पिया।
गुलाबी चचा की, गुलाबी चचा की क्यारी में कांटा भरा, गुलाबी चचा की क्यारी में कांटा भरा। ना इधर ना उधर ही सिहारे पिया, ना इधर ना उधर ही सिहारे पिया। तार बिजली से पतले 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 पतले, तार बिजली से पतले हमारे